मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा बेचने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिरण जारी का पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शुरू कर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो, शिक्षा बेचने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा बेचते मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, कामयाब कामयाब कामयाब, शिक्षा बेचने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिरण जारी का पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शुरू कर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सभी जनसंघों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी जनसंघों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा बेचने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा बेचने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, देश के अंदर सरकार के द्वारा बीजेपी सरकार की बात करें तो लगातार शोषण की बातें आ रही है टीचरों को लेकर या किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को लेकर। लेकिन अगर बात करें निजीकरण की या फिर समान वेतन की, पुरानी पेंशन की, जिसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ के अंदर एक बड़ी रैली है और नरवाना से भी काफ़ी संख्या में यहाँ से टीचर है और सभी जो कर्मचारी है, सभी सर्व कर्मचारी यहाँ से जाने वाले हैं। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे किस बात को लेकर आज बड़ी रैली की जा रही है जो पूरे हरियाणा में एक धमाका करने वाली है। करना चाहेंगे आखिर ये बसें हैं, आप देख सकते हैं बस यहाँ से शुरू हो चुकी है, रवाना हो चुकी है जाने के लिए। तो अभी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है आज की रैली में। हरियाणा विद्यालय अध्यापक की ओर से 29 तारीख को जींद में आज रैली आयोजित की जा रही है। साथियों, अध्यापक का और रैली का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस सरकार के तानाशाही रवैये ने एक अध्यापक को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, चाहे तो बलैंड को उदाहरण ले लो, खड़वाल को उदाहरण ले लो, और 1 से 5 4801 स्कूल बंद कर दिए गए सरकार द्वारा, जिसमें 15,000 मिड डे मील वर्कर PN चपड़ासी सेवादार ये सरपरस होकर बैठ जाएंगे। बहुत से विद्यालयों में कर्म के अंदर सिर्फ 2 अध्यापक हैं, CNV जिनकी DDP और दूसरे स्कूल में है। किसी के स्कूल के अंदर अध्यापक इंग्लिश का नहीं है, किसी के अंदर मैथ का नहीं है। तो धीरे धीरे ये बच्चे दूसरे स्कूलों में चले जाएंगे और ये स्कूल खाली हो जाएंगे। सरकार की यही मंशा है कि इन स्कूलों को बंद किया जाए। मैं अपील करता हूँ आम जनमानुष से कि हमने एक साथ इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। सर, एक बात मैं देखना चाहूँगा, देखो मैं किसी सरकार के विरोध में हूँ, लेकिन जब पहली सरकारें होती थी तो लगातार प्रदर्शन धरने होते थे, लेकिन अब इतनी तानाशाही होने के बाद भी आज पहली बार देखा कि एक बड़ी रैली टीचरों के द्वारा या सर्व कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी क्या बात हुई कि लगातार जो कर्मचारी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो आज उसी का एक रूप देख रहे हैं आप कर्मचारियों का। इसकी शुरुआत हो चुकी है, चाहे हमें सत्ता परिवर्तन करना पड़े हम अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। एक 21 साल का नौजवान MLA यादवपुर से बनता है, उसकी पेंशन है, और एक 40 साल का अध्यापक एक कर्मचारी साथी, उसकी 40 साल की उम्र है, 16 साल की सर्विस है, उसकी पेंशन नहीं है। दो बहरूपिया रूप है ये सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, हम मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए और हमारी मांगों पर ध्यान किया जाए। और भी बातें हैं, और भी खामियां हैं देश के अंदर। जैसे सरपंच के अभी चुनाव हुए थे, सरपंच बने थे तो छोटी सरकार, उससे बड़ी सरकार जो है MLA की है, फिर जो हमारे सांसद है, लेकिन उनकी तो जो तनख्वाह है, उनकी जो पेंशन, उनकी बढ़ाई जाती है। और ऐसे में सरपंच थे उनका भी जो एक ग्रांट का था उनको कम कर दिया गया 2 लाख रुपए तक। तो ये बड़ी बात है, इस प्रकार से लोगों के अंदर भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है सरकार, क्योंकि काम कैसे कराएंगे और फिर ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। अनिल जी, क्या कुछ कहना है, एक बड़ी रैली टीचर या फिर सर्व कर्मचारी की बात करें तो की जा रही है। नमस्कार पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच पहुंचे हैं, और मीडिया इस समाज का जो चौथा स्तंभ है वो आवाज़ हमारी उठा रहा है, तो हमें बड़ा गर्व है। क्योंकि आज के टाइम पे जो मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, वो जनता की आवाज़ नहीं दिखा रहा। आपने सवाल किया कि पहले कर्मचारी रैली करते थे, आज भी कर्मचारी रैली कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, आज भी समाज सड़कों पर है, लेकिन हमारा मीडिया उसको दिखाने का काम नहीं कर रहा। मीडिया सरकार की चाटुकारिता का काम कर रहा है। आप जैसे युवा साथी को, जज्बे जुनून वाले को सलाम करते हैं हम कि आप जो समाज की आवाज़ उठा रहे हो। आज इस तानाशाही सरकार यहाँ तक पहुँच गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सिनारे को लेकर के ये लोग चले थे। आज इन्होंने बेटियों के सारे स्कूल बंद कर दिए, 6 से 8 के बेटियों के लगभग 4400 स्कूल निर्माण बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। एक रणजीत जी, एक और बात, एक और सरकार की तरफ से आई थी कि प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ेगा 1100 रुपए, अगर सरकारी में पढ़ेगा तो इस प्रकार से कहा था कि 500 रुपए लिए जाएंगे, ऐसे कुछ बात थी। बिल्कुल सही बात है, सरकार एक देखो नई चिराग योजना लेके आ रही है जिसके अंदर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर आपको पैसे दे रहे हैं, फीस घर से सरकार दे रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में जाओगे आपको फीस लगेगी। मॉडल स्कूलों में फीस लागू करके सरकार ने बहुत ही अब बच्चों को सरकारी स्कूलों से भगाने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है। और टीचरों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर गैर शैक्षणिक कार्यों का इतना बोझ लाद दिया गया है कि अध्यापक सांस नहीं ले सकता, पढ़ाएगा तो कैसे, उसके ऊपर BLO ड्यूटी, PPE के और उसके ऊपर और कई तरह के बिना बात की जिम्मेदारियाँ इतनी सौंप दी गई हैं। वो गाँव में घर घर पहुँच करके फैमिली ID वेरीफाई करेगा, वो कभी वोट कार्ड बनाता फिरेगा, उसके ऊपर इतने काम सौंप दिए गए हैं, अन्य मोबाइल ऐप का काम खत्म कर दिया गया, शिक्षा काम छोड़ करके। तो सरकार की सबसे बड़ी साजिश है इन सरकारी ढांचे को, सरकारी शिक्षा को खत्म कर करके प्राइवेट उद्योगपति घरानों को लेकर के आना, अंबानी अडानी के बोर्ड लगाना। लेकिन हम आपको ये वादा करते हैं अंबानी अडानी के बोर्ड नहीं लगने देंगे, अपनी सरकारी शिक्षा को बचाएंगे, सरकार को भर्ती करने पर मजबूर करेंगे। कौशल रोजगार के तहत बहुत बड़ी साजिश जो की जा रही है, कल वहाँ खट्टर साहब बोल रहे थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम किसी को कौशल रोजगार में, एक व्यक्ति को 6 तारीख को जॉब मिली, 10 तारीख को उसकी छुट्टी होगी, तो कैसी योजनाएं, एक चार दिन के लिए आप नौकरी दे रहे हो और कह रहे हो हम कोई हमारी कोई, तो अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप सर तो हाँ तो आप किस लिए बैठे हो सरकार में, सत्ता में किस लिए बैठे हो? मंत्री भी हम भाड़े पर रख सकते हैं, मंत्री भी ठेके पर रख सकते हैं, 4 दिन बाद छुट्टी कर देंगे उनकी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ दूसरे साथियों को मंच देता हूं कि अपनी बात रखें, धन्यवाद। कर्मचारियों की एक बड़ी रैली जींद के अंदर की जा रही है। हाँ, जो भी मतलब एक टीचर का कार्य होता है कि क्लासरूम में जाए, क्लासरूम तक सीमित रहे, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन जैसी सरकार की नीतियां हैं उन्होंने टीचर को स्टूडेंट से दूर कर दिया है, पढ़ाने का कार्य बिल्कुल स्कूलों में ख़त्म करने पे जा रही है, गैर शैक्षणिक कार्यों में अध्यापकों की ज़्यादा ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, इसी को लेकर के ज़्यादातर अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो कहना चाहेंगे शिक्षा से अलग भी कर्मचारी आई हुए हैं, तो आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं सुरेश उचाना, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, सर्व कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता हूँ। आज की रैली केवल अध्यापकों की या कर्मचारियों की रैली नहीं है, आज की रैली जन शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले रैली है, और इस रैली में कर्मचारियों और अध्यापकों के अलावा किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं, तमाम तबके इसमें शामिल हैं। रैली का जो मुख्य फोकस है वो है शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, और इसी के जरिए हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि केवल शिक्षा का मसला अकेला नहीं है, तमाम महकमों को बचाओ और रोजगार बचाओ, इस रैली का मुख्य नारा है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों में तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, सरकारी महकमों का निजीकरण पर रोक लगाना, समान काम समान वेतन लागू करना, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये हर किसी को, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे मिड डे मील है, चाहे ग्रामीण चौकीदार है, चाहे वन मजदूर है, तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को 24,000 न्यूनतम वेतन देना, इस तरह की तमाम मांगों को लेकर के आज साजला रैली है, पूरे समाज की रैली है। ठीक है, तो अभी हम सर से बात कर रहे हैं जो बिजली डिपार्टमेंट से। सर, 2 शब्दों में सिर्फ एक ही लाइन का जवाब, सर कितनी बड़ी रैली होने वाली है और कितनी ज्यादा संख्या में जो कर्मचारी पहुंचे वाले? ये जो रैली है, ज्यादा शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ और स्कूल बचाओ रैली है जी, है अकेले अध्यापक संघ की नहीं है, इसमें जन संगठनों के सभी है, चाहे सरकारी संघ हो, चाहे और भी अध्यापक संघ हो, चाहे सब कर रहे हैं रैली। और ये जी सुरेश डॉक्टर ने कहा था जी, ये मतलब हमारी और भी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करनी है, कच्चे को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो जी, ये मांगे हैं। इन मांगों को देखते हो हमारी रैली कामयाब लाख रैली में। रैली जो जींद है कौन सी जगह पर होने वाली है? ये सिद्धो रोड पर जी, 1 लंबे स्टेडियम के सामने है, उपडा ग्राउंड में रैली है जी। ठीक है, तो कोई आपका बड़ा नेता, कोई स्टेट और नेशनल लेवल के सभी नेता जींद में पहुंच रहे हैं आज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी है वो जींद के लिए रवाना हो चुके हैं, शिक्षा को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और समान काम समान वेतन के लिए, जो आज हरियाणा के कर्मचारी जींद के अंदर गरजेंगे और खट्टर के खिलाफ आज एक बड़ी रैली करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, बने रहिए एनजी न्यूज के साथ, धन्यवाद।